और वहीं एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, चारों आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची एसओजी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जो चार आरोपी हैं उनको कोर्ट लेकर पहुंची एसओजी। चार आरोपी ट्रेनी एसआई की आज रिमांड अवधि खत्म हुई और आज फिर से कोर्ट में पेश कर रही एसओजी। 10 अक्टूबर को रिमांड पर भेजे गए थे चारों आरोपी ट्रेनी एसआई मोनिका, रेणु कुमार चौहान, सुरजीत सिंह यादव और नीरज कुमार यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जयपुर से। तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर चारों आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाना है। रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। तो चारों आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है एसओजी। चारों आरोपी जिनकी अवधि आज खत्म हो रही है, रिमांड पर इनको लिया गया था, जिनकी अवधि आज खत्म हो रही है, इसी को लेकर आज कोर्ट में फिर से पेश करेगी एसओजी। 10 अक्टूबर को रिमांड पर भेजे गए थे चारों आरोपी ट्रेनी एसआई मोनिका, रेणु कुमारी चौहान, सुरजीत सिंह यादव। इसके अलावा नीरज कुमार यादव की कोर्ट में आज पेशी होनी है। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शायद कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। कुणाल, आज चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि आज जो उनकी रिमांड ली गई थी 10 अक्टूबर को, वो उनकी अवधि आज खत्म हो रही है। क्या लग रहा है कि क्या फिर से रिमांड की अवधि बढ़ाई जाएगी या आज डिसीजन आ जाएगा कोर्ट की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में लगातार एसओजी खुलासे कर रही है, 9 तारीख को आरपीए में जो है 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को जो है हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद जो है 4 को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अक्टूबर को जो है उनको कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में दोनों पक्षों के द्वारा जो है पैरवी की गई और पैरवी करने के बाद 7 दिन की रिमांड जो है दी गई थी। आज जो 7 दिन की रिमांड अवधि है वो पूरी हो चुकी है, तो 4 ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर हैं इसमें मोनिका, रेणु और सुरजीत और नीरज कुमार जो है उनको लेकर अभी जो एसओजी है वो कोर्ट पहुंची है। अब अंदर जो है दोनों पक्षों की दलील होगी और दलील के बाद जो है संभवतः एसओजी के द्वारा कुछ और दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, लेकिन अभी अंदर क्योंकि अब पैरवी होगी और पैरवी के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अंदर देखिए पैरवी हो रही है और पूरी मामले की भी यहाँ पर वैसे भी एसओजी जाँच कर ही रही है, लेकिन जो रिमांड अवधि यहाँ पर दी गई थी एसओजी को, क्या उस दरमियान इन चारों आरोपियों से कोई पूछताछ हो सकी है या कोई और बड़े तार जुड़ने की कोई आशंका मिल पाई है इस बारे में? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आया, हमने देखा कि फरवरी में सबसे पहले जेईई भर्ती में जगदीश विश्नोई को एसओजी के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसने ये खुलासा किया था कि उसने जो है एसआई भर्ती पेपर जो है लीक किया है। उसके बाद से एसओजी ने इस मामले में जो है 15 लोगों को, उस समय आरपी में ट्रेनिंग कर रहे थे सब इंस्पेक्टर, उनको गिरफ्तार किया था, जिसमें जो नरेश खिलेरी है इस भर्ती का टॉपर है। उसके बाद लगातार इस भर्ती में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी सफलता एसओजी की उस समय हुई जब इस भर्ती प्रक्रिया में जो आरपीसी का पूर्व सदस्य है रामू राम राय का, उसकी बेटी और उसके बेटे को जो है जिनका चयन इस भर्ती प्रक्रिया में हो गया था उनको जो है गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पिता रामू राम राय का नाम दिया कि उन्होंने उनको पेपर ला के दिया था। जब रामू राम राय का से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने आरपीएससी के ही पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम लिया था और उसके बाद क्योंकि बाबूलाल कटारा पहले ही पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार था उसको प्रोटेस्ट वारंट पर लेकर आए। और उसके बाद अब जिस तरह से इस मामले में हाल ही में जो 9 तारीख को कार्रवाई की गई, 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और उनकी क्योंकि 7 दिन की रिमांड है, अब पैरवी चल रही है, अंदर दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कितने दिन की क्या एसओजी रिमांड मांगती है या फिर उनको ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुणाल, अगर मानो कि पूरे सवालात अगर कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एसओजी रिमांड जरूर मांग सकते हैं। बड़ा शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।